जनपद में दिनों दिन मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मरीजों को रखने की व्यवस्था जनपद की राजकीय मेडिकल कॉलेज में की गई है, लेकिन यहाँ पर मरीजों को दिए जाने वाला खाना घट गया है। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा एक वीडियो खाने को लेकर वायरल किया जा रहा है, जहाँ खाने की क्वालिटी में पौष्टिकता का नामो निशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खाना पूर्ति है। इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि 48 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3 टाइम के भोजन और चाय नाश्ते का मदद मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर 48 रुपये में 3 वक्त का खाना और नाश्ता आखिर कैसे दिया जा सकता है। भैया ये जो है क्वारंटीन सेंटर का खाना देखिए आप, ये वीडियो मेरे संज्ञान में अभी आया है। उसमें जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड बताई गई है। तो इसमें मैंने प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है। प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि जो मरीजों को खाना दिया जा रहा है उसका उनके यहाँ का टेंडर 48 रुपये प्रतिदिन, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि का भोजन 48 रुपये का टेंडर है उसमें सरकारी रेट। और खबर बलिया से है, जहां जनपद में कोरोना की पूरी तरह खत्म करने के लिए